बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को आज विशेष सतगुरु बार की याद और विशेष कई अन्य आत्माओं का भी, बड़ी बहनों का भी बाबा को जाकर याद प्यार दी। सवेरे भी बाबा को अमृत बेले कहा, आज विशेष इन बहनों का भोग के लिए वतन में आऊंगी याद प्यार लेकर। याद प्यार देते हुए बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा देख रहा है कि बाबा के घर में बाबा की भुजाएं, बाबा के साथी भाई बहनें मीटिंग में आए हुए हैं। बाबा को भी अपने बच्चों पर बहुत नाज होता है, बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे मेरी भुजाएं बनकर मेरा साथ देकर, हाथ में हाथ देकर बच्चे चल रहे हैं। ऐसे कहते आज विशेष रोजी बहन, लक्ष्मी बहन, शांता बहन, सत्वती बहन, चंद्रपुर की कुसुम बहन और भी कई आत्माओं का विशेष भोग था। बाबा ने उन बहनों को इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार वह दिन, वह बातें बच्चों की बुद्धि में इमर्ज हो जाती है और इन बच्चों ने, इन बहनों ने, बाबा ने कहा कि बाबा साकार के समय की भी पालना ली हुई है बाबा मम्मा की, इसलिए इन बच्चियों में भी बहुत ही श्रेष्ठ भावना बाप के साथ, ऐसा इन बच्चों ने, बच्चियों ने करके दिखलाया। जो इतना पावरफुल बीज डाला है, बीज का झाड़ भी बाबा देख रहा है कितना ना फलीफूत होता जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए शिव के बच्चे जरूर हैं, पर ब्रह्मा बाप की जो बाबा ने कहा आप भुजाएं हैं और आप भुजाएं ही विशेष बाप का नाम बाला कर सकते हैं। फिर बाबा ने एक इशारा दिया। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार आदि काल में बच्चों ने वाणी की सेवा बहुत की। अब बाबा ने कहा कि मन वचन कर्म से बच्चे करते थे, पर अब समय के अनुसार विशेष ब्राह्मण बच्चों को और विशेष, बाबा ने कहा, मीटिंग में आए हुए पुराने अनन्य बच्चे हैं, अब उन बच्चों को ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं,
तो ब्रह्मा बाप के समान उन बच्चों को ऐसा ही कर दिखलाना है। विशेष रूप से बाबा ने कहा, कर्म करते हुए न्यारे होकर जिस प्रकार ब्रह्मा बाप रहे, वह कर्तव्य, वह सेवा, वह कार्य अभी समय के अनुसार बच्चों को करना है। वाणी की सेवा तो बच्चों ने बहुत की, कर भी रहे हैं, पर बाबा ने कहा कि बाबा ने एक दृश्य दिखाया कि जिस प्रकार एक जड़ मूर्ति होती है, जड़ मूर्ति के नैनों से ये दिखाते हैं, उसकी दृष्टि से कोई कैसी भी आत्मा होती हो, भस्म हो जाती, खत्म हो जाती। तो उसी प्रकार आप ब्राह्मण बच्चों में भी इतनी बाबा ने का शक्ति भरनी है, इतना अपने अंदर बल भरना है, इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन भरने हैं, जो आने वाले समय में कैसी भी परिस्थिति बातें आए, तो बाबा ने कहा आपकी दृष्टि से ही बच्चे निहाल होते हैं। जिस प्रकार बाबा की दृष्टि से भी बच्चों को शक्ति मिलती थी, निहाल होते हैं, उसी प्रकार आप ब्राह्मण बच्चों की समय के अनुसार बाबा यही इशारा दे रहे हैं कि आने वाले समय में परिस्थितियां अनेक प्रकार की होगी, पर आप बच्चों को अपने अंदर वो शक्ति रूप, ज्वाला रूप बनाकर अपने आप को चलना है। ऐसे कहते हुए बाबा ने आज विशेष जिन आत्माओं के निमित्त भोग था, उन्हें तो बड़े प्यार से मर्ज करते मधुवन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि भोग लगाने वाले उन बच्चों को भी वह दिन, वह समय स्वाभाविक याद आ जाता है, और उन आत्माओं को भी सूक्ष्म में ये आस रहती है, क्योंकि बाबा के घर का कई समय, कई सालों तक बाबा के घर का कणा दाना खाया है। ऐसे कहते बाबा ने उन आत्माओं को इमर्ज करते, उन बहनों को इमर्ज करते बड़े प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने विशेष सभी मीटिंग में आए हुए भाई बहनों को बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं, तो भुजाओं का काम है और अनेक भुजाओं को भी तैयार करना। ऐसे कहते सभी को बहुत बहुत दिल की स्नेह भरी याद प्यार दिया, और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।